तो बीजेपी मोर्चे की हार की एक बहुत बड़ी वजह जानकारों के मुताबिक है बाबूलाल मरांडी का उनके साथ ना होना। कितना बड़ा झटका था ये बीजेपी के लिए, ये हमने जाना झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से। मैं ये नहीं मानता हूं, पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है और नुकसान अप्रत्याशित रूप से हुई है, इस बात को मैं मानता हूं कि जो आशा हमारी थी उस आशा के अनुरूप नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी हम 23 स्थानों पर प्रतिद्वंदी के रूप में है, द्वितीय स्थान पर है, तो कुल मिलाकर के यदि हम सीटों को देखें तो 23 और 18, तो हम 40 से अधिक सीटों पर हमारा स्थिति मजबूत है। अब हमें इस बात की शंका थी कि जो बॉर्डर लाइन में है, जहां हम बहुत कम मार्जिन से हार जीत का अंतर देखते हैं, वैसे जगह में पहले से ही कुछ इस तरह से हमारे मन में शंका थी, लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे थे कि राज्य की जनता बहुमत को और राज्य की जनता स्थिर सरकार को ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन इस समय जो मैंडेट सामने आया है उसमें किसी को भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अस्पष्ट बहुमत मिला है, या बड़े दल के रूप में देखा जाए तो आज भी भारतीय जनता पार्टी है और अधिक स्थानों पर आज भी द्वितीय स्थान पर है। झारखंड की जनता ने गुरुजी की गोटी लाल कर दी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बोलती बंद करने का इंतजाम किया है। आरजेडी का आंकड़ा 2 सीटों के नुकसान के साथ 5 पर जाट का है। ऐसे में लालू जुगाड़ सरकार में ही अपनी भूमिका की गोटी फिट करने में जुटे हैं। बिहार से अलग होकर बने झारखंड राज्य के 9 साल हुए हैं और इस 9 साल में हुए 2 चुनावों में एक बार भी जनता ने स्पष्ट बहुमत का फैसला नहीं दिया है और इसलिए अब झारखंड में नई सरकार के गठन का तारोमतार जोर जुगाड़ के भरोसे है। ऐसे में उन दलों की भूमिका भी अहम हो गई है जिनके पास 2-4 सीटें भी हैं। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी झारखंड में नई सरकार के गठन में अपनी भूमिका तलाशने में जुट गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होने का शिकोफा छोड़ा है, मसलन उन्हें कांग्रेस समर्थित सरकार को समर्थन से कोई एतराज नहीं है। अब इसमें सेकुलर फोर्सेस जीता तो कोशिश होनी चाहिए सब लोगों को कि वहाँ के इंटरेस्ट में, वहाँ के विकास के लिए हर तरह से जितनी बातें सुनी जाती है, सरकार बने, बढ़िया लोगों को लोग अपना बनावे, उस पर हम सोचेंगे। हम सोचेंगे तो सेकुलर सरकार की का स्वरूप क्या देखते हैं? कांग्रेस होगी? नहीं, उसमें हमारा और दूसरा दुनिया का बात नहीं, ये एनडीए का तो सवाल ही नहीं उठता है। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल को पिछले चुनाव में 7 सीटें मिली थी। हालांकि इस साल भी आरजेडी का आंकड़ा उत्साहजनक नहीं है, लेकिन जनता का फैसला त्रिशंकु विधानसभा के पक्ष में होने के कारण आरजेडी को उम्मीद है कि उनकी भी अहम भूमिका निकल ही आएगी। कुमार अभिषेक, पटना आज तक।